चुरकी और भुरकी की कहानी आपको घोर संकट से बचाएगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है और प्रेरणादायक है। इस कहानी में आज हम बात करेंगे कि लालच और घमंड इंसान के लिए कितना नीचा गिरा देता है। जो हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, दोस्तों ये कहानी चुरकी और भुरकी दो बहनों की है। कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी को शुरू से अंत तक ही श्रवण करें और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मित्रों हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में चुरकी और भुरकी नाम की दो बहनें रहती थीं। चुरकी का विवाह गरीब परिवार में हुआ था और भुरकी का विवाह अमीर परिवार में हुआ था। चुरकी बहुत ही गरीब थी, उसके पति बहुत ही गरीब थे, और भुरकी जो थी उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले बहुत ही अमीर आदमी थे। भुरकी की जिंदगी बड़े चैन से गुजर रही थी, लेकिन चुरकी जो अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी वो गरीबी में व्यतीत कर रही थी, उसके लिए खाने के भी लाले पड़ रहे थे। मित्रों, एक दिन की बात है, चुरकी के बच्चे जो थे वो भूखे सो रहे थे। तो चुरकी ने देखा कि हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो उस चुरकी के लिए बहुत दुख हुआ। उसने विचार किया कि ऐसी दुनिया में कोई मां नहीं है जो अपने बच्चों को भूखा सुलाए। खुद तो भूखी रह सकती है, खुद भूखी सो सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती है। चाहे कितनी भी परेशानी उठाए, चाहे कितनी भी मुसीबतें उठाए, चाहे मेहनत मजदूरी करे, लेकिन अपने बच्चों के लिए खुश रखती है, अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती है। और मैं ऐसी मां हूं कि मैं अपने बच्चों को कुछ खिला नहीं पा रही हूं, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, लेकिन मैं इनके लिए भूखा नहीं सोने दूंगी, इनके लिए कुछ खाने का प्रबंध जरूर करूंगी। उसने विचार किया, कहीं जाते हैं और थोड़े से दाल चावल मांग करके लाते हैं और उन्हें बना करके खिला देते हैं। फिर उसने विचार किया, कहां गांव में मांगने के लिए जाएं, गांव में मांगने से अच्छा है कि हम अपने खुद मायके चले जाएं। दोस्तों, ये विचार करने के बाद में चुरकी जो थी वह अपने मायके के लिए चल देती है, कुछ मांगने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। मित्रों, जब वह अपने मायके के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे बेर का पेड़ मिला, और बेर का पेड़ जब उसके लिए मिलता है तो बेर का पेड़ जो था वो कहने लगा, हमारी थोड़ी सहायता कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जवाब दिया, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब वह पेड़ कहने लगा, हमारे आसपास जो झाड़ियां उगाई हैं इनको साफ कर दो, और इसके बदले में हम तुम्हें मेहनताना देंगे, और इसके बदले में जब तुम जहाँ जा रही हो लौट करके आओ तो हमसे मेहनताना लेती जाना। दोस्तों, उस चुरकी ने वैसा ही किया, उस बेर के पेड़ के पास में जो झाड़ियां उगाई थी उनको साफ कर दिया, और साफ करने के बाद में फिर वह आगे के लिए चल देती है। आगे के लिए जब चली है तो उसने क्या देखा है कि एक गाय मिली है, और गाय ने चुरकी को आते हुए देखा तो गाय कहने लगी, आप थोड़ी हमारी सहायता कर दें, जब आप लौटते समय जाएंगी तब हम इसके बदले में आपको मेहनताना दे देंगे। चुरकी कहने लगी, गाय माता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब गाय ने कहा कि हमारे आसपास जहाँ मैं रहती हूँ वहां पर कूड़ा करकट और गोबर भरा पड़ा है, उसको साफ कर दो, जहाँ तुम जा रही हो लौटते समय आना, तो इसके बदले में अपनी मजदूरी लेते जाना। दोस्तों, चुरकी ने वही किया, जहाँ गाय रहती थी उसके पास में कूड़ा करकट गोबर था, उसको साफ कर दिया, और साफ करने के बाद में गाय खुश हो जाती है और वो आगे के लिए चल देती है। आगे जब चली है तो उसे चक्की मिली, चक्की ने रोक लिया और कहा है कि आप हमारी सहायता कर दो, लौटते समय अपना मेहनताना लेती जाना। चुरकी कहने लगी, हे चक्की, मैं तेरी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब चक्की ने कहा, हमारे ऊपर लिपाई कर दो, इसके बदले में हम तुम्हें मजदूरी दे दूंगी। दोस्तों, चुरकी ने वही किया, उस चक्की की लिपाई की है, सफाई की है, वहां से आगे के लिए चल देती है। आगे के लिए चलती हुई जब चुरकी जा रही थी
तो एक ऊंचा टीला उसे दिखाई दिया जिसपे सरप बैठा हुआ था। सरप ने चुरकी को जाते हुए देखा तो रोक लिया और कहा कि आप हमारी सहायता करें, जब आप लौट करके आएंगी तब हम उसका मेहनताना आपको दे देंगे। चुरकी कहने लगी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं, आपसे मुझे डर लगता है, कहीं आपने मुझे खा लिया तो हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे, बच्चे तो मेरे ही ऊपर हैं। सरप कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए डसूंगा नहीं, आप हमारी सहायता करेंगी और मैं इतना कमीन हूं कि मैं आपको डस लूंगा, आप निसंकोच होकर के हमारी सहायता करें। तब चुरकी ने कहा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ दोस्तों। तब वह सरप कहने लगा, हमारे आसपास की गंदगी को आप साफ कर दें और इसके बदले में हम आपको मेहनताना दे दूंगा। दोस्तों चुरकी ने वही किया, उस सरप के पास की जो जगह थी आसपास की उसको सफाई की है और सफाई करने के बाद में वो वहां से आगे के लिए चल देती है। चलती हुई चली गई और अपने मायके में पहुंची है और मायके में जब पहुंची है तो भाभी जो थी उससे प्रेम से नहीं मिली, भाभी ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया। जब खाना खिलाने का नंबर आया तो बासी कूसी रोटी थी वो उसके लिए दे दी। चुरकी ने भाभी से बिना कुछ कहे ही वो रोटी खा ली और रोटी खाने के बाद में फिर चुरकी ने हिम्मत बांध करके अपनी भाभी से कहा कि भाभी बहुत ही कृपा होगी, बहुत आपकी मेहरबानी होगी, थोड़े से हमें दाल चावल दे दो, हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, हम उनको बना करके खिला दें। दोस्तों चुरकी की बात को सुनकर के वह भाभी जो उसकी थी उस पर झल्ला उठी और क्रोध करके कहने लगी, अरे तू हमारे पास यहाँ मांगने के लिए चली आई, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तुझे क्या दे दें, तू अपने घर वापस चली जा। दोस्तों फिर वह चुरकी जो थी उदास होकर के अपने घर के लिए जब चलती है तो भाभी ने रोक लिया और एक टोकरी दे दी और कहा कि इस खाली टोकरी को लिए जाओ। टोकरी को लेकर के वह चुरकी जब घर के लिए चलती है और रास्ते में सबसे पहले उससे मुलाकात सरप से होती है जिसकी जगह को साफ करके गई थी, जिसकी उसने सहायता की। सरप ने कहा, अब अपना मेहनताना लिए जाओ। सरप के पास में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ था। सरप ने कहा कि चुरकी जो तुम्हारे पास टोकरी है ये सोना चांदी उसमें रख लो और सीधे अपने घर ले जाओ। दोस्तों उस सोना चांदी को रख करके भाई आगे के लिए चलती है, फिर भाई उसको चक्की मिलती है। चक्की ने कहा है कि अपना मेहनताना लिए जाओ। दोस्तों चक्की ने बहुत सारा आटा उसके लिए दिया, उस आटा को टोकरी में रख करके और वहां से चल देती है। आगे जब बड़ी है तो वही उसके लिए गाय मिली है और गाय ने कहा कि आप अपना मेहनताना लिए जाओ, आप अपनी मजदूरी लिए जाओ। दोस्तों उस गाय ने उसके लिए दूध दही दिया, दूध दही को लेकर के फिर वह और आगे बढ़ती है तो उसे वही बेर का पेड़ उसके लिए मिलता है, वो भी कहता है कि आप अपनी मजदूरी लेते जाओ। दोस्तों उसने बहुत सारे बेर और बेर के पकवान उसको दे दिए। कहने का मतलब यह है कि इतना चुरकी के लिए मिल गया था कि उसकी टोकरी भर गई थी। अब वह सीधे खुश होकर के अपने घर पहुंचती है, पसीने से लथपथ हो जाती है, अपने बच्चों के लिए आवाज लगाती है तो बच्चे तो निकल करके नहीं आ पाते हैं, तब तक भुरकी निकल करके आ जाती है जो उसके पड़ोस में ही बराबर में ही घर था, जो उसकी बहन थी। भुरकी ने देखा कि उसकी टोकरी में बहुत सारे बेर रखे हुए हैं, आटा भी है, सोना चांदी भी है। ये देख करके भुरकी के लिए लालच आ गया कि ये कहां से लाई है, कैसे लाई है, ये तो हमको भी लेना चाहिए। फिर उसने अपने बच्चों से पूछा कि हे बच्चों तुम्हारी ये मौसी कहां गई थी। तब बच्चों ने बताया ये मौसी मामा के घर गई थी। दोस्तों वही बच्चों को जल्दी वल्दी उसने खाना खिलाया और तुरंत अपने मायके के लिए चल देती है और विचार करती है कि मैं भी जाऊंगी और हम भी लेकर के आऊंगी, अरे हमारे लिए भी हमारे भैया भाभी देंगे और इससे ज्यादा देंगे, इससे हमारी हैसियत कम थोड़ी है। ये विचार करने के बाद में दोस्तों वह भुरकी उसकी बहन जो लालची भी थी और घमंडी भी थी वो भागती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही है। उसे रास्ते में वही चीजें मिली है, बेर का पेड़ मिला है, गाय मिली है, चक्की मिली है और वही सरम मिला है। चारों ने उससे कहा कि आप हमारी सहायता कर दो, इसके बदले में हम तुम्हारे लिए मेहनताना देंगे। तो दोस्तों वह इतनी घमंडी थी उसने चारों से कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों घमंड भरी बातें करने के बाद में वह भुरकी जो थी सीधे अपने मायके पहुंचती है और उसका भी वो भाभी आदर सत्कार नहीं करती है। उसने सारी बात चुरकी की जाकर के बताई तो भाभी उस पर भी झल्ला उठी और कहा कि अरे पागल, मैंने उसके लिए केवल खाली टोकरी दी थी, अब उसकी किस्मत है, उसे कैसे मिला, कहां से मिला, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया जो हम तेरे लिए दे दें, चुपचाप यहाँ से चली जा।
इतने अपमान भरे शब्द उससे कहे वे गुस्सा में होकर के दोस्तों भुरकी अपने घर के लिए चल देती है। वहीं रास्ते में उसके लिए वो टीला मिलता है जिसपे सरफ बैठा होता है, जहां पर बहुत सारा सोना चांदी रखा होता है। उसे देख करके उसके लिए लालच बढ़ा और उसे उठाने के लिए जैसे ही बड़ी है तो सरफ ने फुसकार मारी, डंक मारने के लिए उस पर झपटा। वह डर के मारे तुरंत वापस भाग खड़ी हुई। आगे बड़ी है, उसे वही चक्की मिली जहां पर बहुत सारा आटा था। भाई आटा उठाने के लिए जब भागी है तो चक्की ने भी उसे उठाने नहीं दिया, भाई चक्की भी उसको मारने के लिए झपटी। दोस्तों वहां से भागी है तो उसको गाय मिली जिसके पास बहुत सारा दूध दही रखा हुआ था, उसको भी उसने लेना चाहा, लेकिन उस गाय ने भी उसको मारना चाहा और उसे दूध दही लेने नहीं दिया। फिर भाई आगे बढ़ी तो वही बेर का पेड़ मिला, उसके बेर और बेरों के पकवान लेने चाहे, लेकिन उस बेर के वृक्ष ने उसको कांटों में फंसाना चाहा और उसे बेर और बेर के पकवान लेने नहीं दिए। कहने का मतलब है उसे कुछ भी नहीं मिला और वह सीधे घर चली आती है और निराश होकर के बैठ जाती है और पसीने से लथपथ हो जाती है। तो दोस्तों यही कहानी दो बहनों की थी जो चुरकी और भुरकी थी। चुरकी जो थी उसके अंदर सील था, स्वभाव था, आदर्शता थी, संस्कृति थी, कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था, कोई घमंड नहीं था। तो उसके लिए इतनी सारी दौलत मिली कि उसकी जिंदगी अब चैन से गुजरने लगी। और उसकी बहन जो ये भुरकी थी, ये घमंडी भी थी, लालची भी थी। कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर लालच और घमंड होता है तो वह लालच घमंड उसका पतन कर देता है और उसे इतना नीचा गिरा देता है कि जिंदगी में दोबारा उसे उठना भी मुश्किल पड़ जाता है, जो उस भुरकी के साथ में हुआ, जिसके लिए इतना नीचा गिरा दिया वो भी उसके घमंड और लालच। तो दोस्तों यही कहानी दो बहनों की थी, चुरकी और भुरकी की, जो ये कहानी हमारे लिए सीख देती है कि कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। जरा विचार करो, अगर भगवान ने हमारे लिए संपत्ति दे दी है, दौलत दे दी है, तो ये दौलत कितने दिन चलेगी? ज्यादा देर रुकने वाली नहीं है। अगर भगवान ने हमारे अंदर ताकत दे दी है तो वह ताकत भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यदि ईश्वर ने हमें सुंदर बना दिया है तो वो सुंदरता भी एक दिन खत्म हो जाएगी, वो भी ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। तो किस बात का घमंड, किस बात का लालच? तो दोस्तों इस कहानी का तात्पर्य यही है कि ना तो अपने जीवन में कभी घमंड करना, ना कभी लालच करना, क्योंकि लालच ही और घमंड ही इंसान के पतन का कारण होता है और लालच और घमंड ही इंसान को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी दो बहनों की? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।